सुप्रभात। आज बराहुआ पाट जो बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने चार मित्रों के साथ एक पुरानी बस में की गई यात्रा का व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया है, जो कि बहुत ही रोचक एवं प्रभावशाली है। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली से सफर नहीं करते, यानी कुछ लोगों ने सलाह मशवरा दी कि समझदार व्यक्ति, चालाक व्यक्ति शाम वाली से सफर नहीं करते, शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है वह यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गांव में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी ऐसे बस की सवारी ये लोग कर रहे थे कि लग रहा था कि सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी लेखक लिखते हैं कि लग रहा है कि जो गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, उस समय ये बस जो है वह जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था,
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझको उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छिन्न चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा। इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही।
हंसी मजाक चालू हो गया। ये हरिशंकर परसाई जी ने ये पाठ इस प्रसंग में, इस पाठ में ये संदेश दिया कि प्राचीनता रूपी बस आधुनिक यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। हमें समय के साथ संसाधनों को तथा आचार विचार में परिवर्तन करते रहना चाहिए, लेकिन परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए हितकारी हो। पुरानी चीज़ें कट्टरता, रूढ़िवादिता, पोंगापंथी, अंधविश्वास आदि जो भी हमारे विकास में बाधक हो उसे तत्काल छोड़ देना चाहिए। आधुनिकता के नाम पर कुछ ऐसा कुछ भी न करें कि लोग हम पर हंसे, मजाक उड़ाए। इसी पाठ में दर्शाया गया है लेखक के द्वारा। धन्यवाद।